when you supply heat to a solid body, the solid body particles absorb that heat energy. The particles start vibrating at a greater amplitude, तो उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगता है. जब आप उसको छुओगे, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर स्ट्राइकिंग योर फिंगर, विथ व्हाट स्पीड दे आर स्ट्राइकिंग, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी दे आर स्ट्राइकिंग, दैट ऑल टुगेदर गिव्स यू द सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर. सो व्हेन यू सप्लाई हीट, द पार्टिकल्स वेर अर्लियर ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग विद स्मॉल एम्पलीट्यूड, नाउ दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद बिगर एम्पलीट्यूड, सो द टेम्परेचर राइज. So what you can say, the heat absorbed by the solid converts into kinetic energy of the particles of the solid. समझ में आया? एक-एक करके चीज लिखेंगे. Point number one, when heat is supplied to a solid, its molecules receive the heat energy and gain kinetic energy. Molecules vibrate with greater amplitude पहले धीरे धीरे ऑसिलेट कर रहे थे, हीट देने के बाद जोर से ऑसिलेट करने लगे, है ना, greater amplitude. So temperature of solid increases, rate of rising temperature in temperature depends on the specific heat and mass of solid. तो क्या कहेंगे, डेल्टा थीटा द राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय एम सी. डेल्टा क्यू एनसी डेल्टा थीटा होता है. डेल्टा क्यू है, क्या है डेल्टा क्यू, हीट सप्लाइड. तो ये कोई नई चीज तो है नहीं, अभी तक हम जानते थे कोई भी बॉडी को हीट दो, दैट हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, द पार्टिकल्स स्टार्ट ऑसिलेटिंग वायलेंटली एंड द टेम्परेचर राइज, बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी दैट यू नो इज ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स. You cannot change the temperature because of the potential energy they have. इसीलिए तो बोलते थे from the knowledge of temperature you cannot say the total amount of heat inside, because total heat is kinetic energy plus potential energy. Temperature से kinetic energy कितना है वो guess कर सकते हैं, लेकिन हम potential energy के बारे में पता नहीं कर सकते. So total heat contained in a body cannot be measured. ये सारे पुरानी चीजें हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं. Now अभी अगर यही चीज को देखेंगे तो कैसे होगा, वेरिएशन ऑफ थीटा विथ सप्लाई ऑफ हीट Q is shown. कैसे, जब भी हम कोई बॉडी को हीट देते हैं तो शुरू में उसका कुछ टेम्परेचर था, उस टेम्परेचर से बढ़ने लगता है, और यही हुआ सिलसिला
जितना हीट देंगे उतना टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। पहला पार्ट ये हो गया, ठीक है। एट सर्टन टेम्परेचर द मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट सो वायलेंटली दैट द इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स द इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज डिक्रीज एंड दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर they start moving away from each other इतने जोर से वाइब्रेट करता है। मान लो कि दो ब्लॉक है, इन दोनों को कोई स्प्रिंग से और इलास्टिक से जोड़ दिए हो, ये दोनों धीरे धीरे ऑसिलेट कर रहे थे, सब मजा ले रहे थे। अब कोई आया, दोनों को जोर से धक्का दिया, जोर से काइनेटिक एनर्जी दिया, दोनों जोर से ऑसिलेट करने लगे। इतना जोर ऑसिलेट करने लगे कि जो इलास्टिक थ्रेड था या जो स्प्रिंग था वो दोनों को रोक के नहीं रख पाया, ये टूट गया। या फिर कोई इलास्टिक थ्रेड था तो इसका इलेक्ट्रिसिटी ही खत्म हो गया जो खींच के दोनों को पास ला रहा था। अब शुरू में तो वो लोग एवरेजली इस पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहे थे, अब एवरेजली इस पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहे हैं। व्हाट यू फाइंड, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग हैज इंक्रीज्ड, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग बढ़ गया है। तो जब ये सिचुएशन आके पहुंचा, दिस टेम्परेचर एट दिस स्टेट एट दिस स्टेज द सॉलिड स्टार्ट्स चेंजिंग इट्स फेज टू लिक्विड। तो सॉलिड क्या करता है, स्टेज में लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू करता है, ठीक है, ये लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू करता है एट दिस स्टेज। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट्स, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो हम क्या कहेंगे, सॉलिड को इतना गर्म किए कि उसका मेल्टिंग पॉइंट पे आ गया, ठीक है। कोई अगर पूछेगा व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, तो आप क्या कहोगे, द टेम्परेचर एट व्हिच द सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग melting is called melting point। So melting point क्या है, एक temperature है। जैसे ice, for ice melting point is 0 degree centigrade, temperature 0 degree centigrade हो गया, melt करना शुरू करेगा, ठीक है। अब ये जो मेल्टिंग पॉइंट है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ यू कैन कैटेगराइज द सॉलिड इनटू टू टाइप्स, एक हुआ जो मेल्ट होने से छोटा हो जाता है, दूसरा हुआ जो मेल्ट होने से बड़ा हो जाता है, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल सी कोई चीज अगर गर्म होके मेल्ट हो गया तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इफ यू मेल्ट ए आयरन ब्लॉक, the volume will increase,
सॉलिड आयरन ब्लॉक को अगर मेल्ट करोगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बट इफ यू मेल्ट ए आइस द वॉल्यूम डिक्रीज। सो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉलिड के ऊपर, लेकिन मोस्टली हमारा क्वेश्चन यहाँ पर वाटर और आइस के बीच में आता है, तो हम लोग यहाँ पर उसके बारे में देखेंगे। इन केस ऑफ आइस अपॉन मेल्टिंग द डेंसिटी इंक्रीजेस, है ना, कैसे, डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.9 ग्राम पर सीसी एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सीसी। मास बराबर रहेगा, मास बराबर रहेगा और डेंसिटी बढ़ जाएगा, कैसे, जब वॉल्यूम घट जाए, तो आइस का डेंसिटी वाटर का डेंसिटी से कम है, तो आइस के केस में क्या हो रहा है, अपन मेल्टिंग डेंसिटी इंक्रीजेस, सो वॉल्यूम डिक्रीजेस। ये चीज सबको समझ में आ गया, वॉल्यूम आइस का डिक्रीज कर जाता है, और 20 सेंटीमीटर क्यूब का आइस को हम क्या करेंगे, मेल्ट कर देंगे, तो आपको 18 सेंटीमीटर क्यूब का वाटर मिलेगा, ठीक है, वॉल्यूम घट जाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये आइस है, ये आइस है और इसको हम हीट दे रहे हैं, क्या करने के लिए, मेल्ट करने के लिए, कुछ हीट देंगे, कितना हीट देंगे अलग बात है, हीट दिए मेल्ट करेगा, तो जब मेल्ट करेगा इसका वॉल्यूम घट के थोड़ा कम हो जाएगा। एट द सेम टाइम सोचो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको चारों तरफ से ऐसे कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, मतलब छोटा बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सॉलिड था छोटा नहीं कर पा रहा, जो भी हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका वॉल्यूम को कम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये सॉलिड था हो नहीं पा रहा था, और हम हीट दिए वॉल्यूम कम हो गया, मतलब प्रेशर हमें मेल्ट करवाने में मदद करता है। ध्यान से सुन लो, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, जब ये मेल्ट करता है इसका वॉल्यूम कम घट जाता है, ये वॉल्यूम ऑफ आइस इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हरदम हर एक चीज को छोटा करने की, कंप्रेस करने की कोशिश करता है, तो हम भी आइस को मेल्ट करके पानी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा मदद कर रहा है, मतलब अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर कर देंगे, तो क्या होगा, हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको गर्म करने की जरूरत नहीं, उससे पहले भी मेल्ट हो जाएगा। पहले क्या होता था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेल्ट करने, गर्म करने के बाद मेल्ट होता था, अब उससे पहले -10 डिग्री सेंटीग्रेड में भी मेल्ट हो जाएगा, है ना, तो वही चीज को आपको समझना है, क्या लिखना है इसमें, वॉल्यूम डिक्रीजेस, दस ड्यूरिंग मेल्टिंग द एटमोस्फेरिक प्रेशर हेल्प्स इन मेल्टिंग, कैसे, क्योंकि एटमोस्फेरिक प्रेशर भी इसको छोटा करने की कोशिश कर रहा है, मेल्टिंग में भी ये छोटा होने की कोशिश कर रहा है, सो बाय इंक्रीजिंग द सराउंडिंग प्रेशर आइस इजीली मेल्ट्स इवन एट ए टेम्परेचर लोअर टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सो वी कंक्लूड दैट by increasing
the surrounding pressure. The melting point of ice. Goes down at high pressure. At high pressure, ice can melt. Even at -10 degree centigrade में भी आइस मेल्ट कर सकता है। तो आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, क्योंकि सराउंडिंग प्रेशर हमें मेल्ट करने में मदद कर रहा है। हम मेल्ट करके क्या कर रहे हैं, छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि आइस चीज ही ऐसा, जब वो मेल्ट करता है पानी बन जाता है। पानी का डेंसिटी ज्यादा तो वो क्या होता है, कंट्रैक्ट हो जाता है, वॉल्यूम घट जाता है। तो हम हीट दे के इसको वॉल्यूम घटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम कहेंगे मेल्टिंग। सराउंडिंग प्रेशर भी उसको कंप्रेस करके घटाने की कोशिश कर रहा है, हमारी मदद कर रहा है। यहां पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता सकता हूं। आपको दो छोटे छोटे आइस क्यूब दिए गए, दो छोटे छोटे आइस क्यूब। अब ये छोटे छोटे आइस क्यूब को बताया गया कि दोनों को जोड़ो। कैसे जोड़ोगे आप? सपोज यू वांट टू कनेक्ट बोथ ऑफ देम बाय ए थ्रेड। क्या थ्रेड में धागा डाल के इसको नॉट डाल के आइस क्यूब को बांध सकते हो? नहीं। कैसे करोगे? क्या आपके पास कोई टेक्निक है? मैं बताता हूं। आप एक आइस क्यूब ले लो, घर में ही छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। यू टेक ए स्मॉल आइस क्यूब, पुट द थ्रेड ऑन इट, पुट अनदर आइस क्यूब, देन प्रेस देम, जोर से प्रेस करो और थोड़ी देर के लिए पकड़ के रखो। थोड़ी देर मतलब 10-20-30 seconds, फिर छोड़ो। देखो दोनों चिपक गए, बड़े जोर से चिपक गए। दे विल बिहेव लाइक ए सिंगल ब्लॉक। अब थ्रेड उनके अंदर फंस गया है। अब आप घुमाओगे भी तो निकलेगा नहीं, क्योंकि दोनों चिपक गए हैं। हो क्या रहा? ऐसे ही बना है, इतना बड़ा बड़ा हिमालय ऐसे ही बना है, क्योंकि ऊपर वाले का प्रेशर से नीचे वाला चिपका हुआ रहता है, टूटता नहीं है। इग्लू बनाते थे लोग, कैसे? क्या एक आइस ब्लॉक के ऊपर सीमेंट लगा के दूसरा आइस ब्लॉक रखते थे? नहीं, सिंपली रख के प्रेस कर दो, चिपक गया, ठीक है ना। ये चिपकने की वाला प्रोसेस को अभी समझते हैं। कोई आइस ब्लॉक है, मान लो कि ये एक आइस ब्लॉक है, ये दूसरा आइस ब्लॉक है। अब ये मान लो सराउंडिंग प्रेशर में है और 0 degree centigrade में है, मेल्ट करने वाला है, ठीक है। अभी मैं दोनों को जैसे मैं प्रेस कर दिया जोर से, दोनों के बीच में प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया तो और भी जल्दी जल्दी मेल्ट करेगा, क्योंकि अभी इतना टेम्परेचर में जितना जल्दी मेल्ट कर रहा था, मान लो कि किसी का मेल्टिंग पॉइंट 0 degree centigrade है, उसको 10 degree centigrade में रखोगे तो मेल्ट करेगा ही, 20 में रखोगे मेल्ट करेगा ही। अच्छा, किसी का टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट है 0 degree centigrade में, 10 degree centigrade में वो मेल्ट करता है, सही है। अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट है -10 degree centigrade तो 10 degree centigrade में और जल्दी जल्दी मेल्ट करेगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा हाई टेम्परेचर हो गया है कि नहीं। अब मान लो कि आइस का टेम्परेचर अभी 0 degree centigrade है और सराउंडिंग टेम्परेचर है 15 degree centigrade सपोज, तो आइस मेल्ट कर रहा है तो ठीक है, धीरे धीरे मेल्ट कर रहा है, क्योंकि सराउंडिंग से हीट ले रहा है, मेल्ट हो रहा है। अब इसको प्रेस कर दिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट चला गया -20 degree centigrade, सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है, वही 15। तो -20 से 15 बहुत ज्यादा होने के कारण, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा होने के कारण जल्दी जल्दी हीट लेना लगेगा और ये जल्दी जल्दी मेल्ट होने लगेगा। तो जैसे हम प्रेस करेंगे, आइस क्या बनेगा, वाटर में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है। प्रेशर बढ़ा दिए, सराउंडिंग प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है, वो जल्दी जल्दी मेल्ट करने लगेगा। फिर जैसे ही हम छोड़ दिए, प्रेशर कम हो गया, जो पानी मेल्ट किया था वो किस टेम्परेचर में था, वही 0 degree centigrade में था, तो सडनली क्या होगा, फिर से आइस बन जाए। समझ में आ रहा ना? जैसे आइस बन गया तो दोनों एक दूसरे के साथ फंस गए। प्रेस करो तो दोनों के बीच का आइस पानी हो रहा है, छोड़ दो दोनों आइस फिर से क्या हो गया, वाटर में। हाँ, वो जो वाटर था बीच में वो फिर से आइस में कन्वर्ट हो गया। इट बिकम्स ए सिंगल ब्लॉक आइस,
थेड़ी बीच में फंसा हुआ है। आप तो बर्फ का गोला खाते होगे, वो क्या करता है, बर्फ का गोला को पहले वो पाउडर बना देता है, फिर एक लकड़ी के ऊपर पकड़ के इसे दबा देता है, उसे पक जाते हैं, है कि नहीं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेजिलेशन, RESILATION, रेजिलेशन। ड्यू टू रेजिलेशन आइस ब्लॉक्स स्टिक टू ईच अदर, व्हाई, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे, व्हेन टू आइस ब्लॉक्स आर प्रेस्ड अगेंस्ट ईच अदर देयर मेल्टिंग पॉइंट गो लो, सो दे मेल्ट एट ए फास्टर रेट। ठीक है, अपॉन रिलीज द वाटर इन बिटवीन again freeze to form ice, the ice blocks stick to each other This process is called resilition. I may be a little wrong in spelling, resilition. Process is called resilition. ठीक है? This process is called resilition by process of resilation big ice mountains are formed तो resilation क्या है आपको समझ में आ गया। दो ice block को जब आपस में चिपक देते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर क्या होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है, वो मेल्ट कर जाते हैं, फिर छोड़ देंगे तो मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। जो मेल्ट हो गया था, मान लो कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया मेल्टिंग पॉइंट प्रेस करने से, वो पानी बन गया, छोड़ दिए तो मेल्टिंग पॉइंट फिर से हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो पानी बन गया था वो फिर से आइस हो गया, क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी 0 है तो आइस हो गया, तो क्या है, आइस एक दूसरे के साथ चिपक गए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेजिलेशन। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना है, एक तो हुआ दे मे आस्क यू व्हाट इज रेजिलेशन, दूसरा हुआ हाउ द सराउंडिंग प्रेशर अफेक्ट्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए मटेरियल। इफ इट इज आइस देन बाय इंक्रीजिंग प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट गोज लो, है ना, क्यों, क्योंकि आइस मेल्ट करने से वो वाटर में कन्वर्ट होता है और उसका वॉल्यूम घटता है, प्रेशर हमें वॉल्यूम घटाने में मदद कर रहा है। लेकिन सोचो कोई दूसरा मटेरियल वैक्स विल मेल्ट इनटू ऑयल और एनी अदर मटेरियल, कोई एक मेटल मेल्ट किया और मोल्टेन मेटल बन गया, तो इन केस ऑफ आइस अपॉन मेल्टिंग द डेंसिटी इंक्रीजेस। लेकिन इन मेनी अदर केसेस अगर मेल्ट करने से वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो सराउंडिंग प्रेशर तो हमें अपोज कर रहा है, हम मेल्ट करके इसको बड़ा करने की कोशिश करें, सराउंडिंग प्रेशर हमें रोकने की कोशिश कर रहा है, तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ा देंगे तो हमें मेल्ट करने में और ज्यादा दिक्कतें आएंगे, मतलब और हाई जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। तो आइस के केस में मेल्ट होने से वॉल्यूम घटता है, इसलिए प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट घटता है, ध्यान रखना। बट इट इज नॉट फॉर ऑल, किसी दूसरे मटेरियल में जिसको मेल्ट करने से वॉल्यूम बढ़ता है,
उस केस में सराउंडिंग प्रेशर हमें अपोज कर रहा है, हम मेल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सराउंडिंग प्रेशर बढ़ा देंगे, मेल्टिंग पॉइंट विल गो हाई। समझ में आ रहा ना? दैट यू मस्ट नोट हियर। फोटो नहीं दिया, ठीक है, वीडियो दे देंगे। पॉइंट नंबर सिक्स में, इन केस ऑफ मटेरियल्स, इन केस ऑफ मटेरियल्स वेयर वॉल्यूम इंक्रीजेस अपॉन मेल्टिंग, द सराउंडिंग प्रेशर, द सराउंडिंग प्रेशर opposes the melting process, melting process. In such cases, by increasing the surrounding pressure. The melting point goes high. ध्यान रखना, हर एक केस में सराउंडिंग प्रेशर को बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट घटेगा ऐसा जरूरी नहीं है। वो आइस और वाटर के केस में होता है, सारा केस में नहीं होता। सारा केस में डिपेंड करता है कि वो सॉलिड मेल्ट करने से जो लिक्विड निकलेगा उसका वॉल्यूम सॉलिड से ज्यादा है कि कम है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपको ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स याद रखना है। उसके साथ साथ याद रखना है रेजिलेशन क्या है, उसके साथ साथ याद रखना है मेल्टिंग पॉइंट क्या है। ड्यूरिंग मेल्टिंग और इफ हीट इज सप्लाइड टू ए सॉलिड एट मेल्टिंग पॉइंट, melting point, the heat is utilized in increasing the molecule separation or separation between molecules. Thus the heat absorbed by the solid, thus the heat absorbed by solid converts into potential energy of molecules. देखो कितना इंटरेस्टिंग है, पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में अब्सॉर्ब होता है। सो जब मेल्ट होता है क्या हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग बढ़ रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। आप जो हीट देते हो उसको लेके वो अपना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। ड्यूरिंग मेल्टिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स do not increase. So its temperature does not increase. इसीलिए temperature increase नहीं करता है। Temperature अगर kinetic energy increase करेगा तभी ना वो जोर से मारेगा, temperature बढ़ेगा। तो जब ice को melt कर रहे हो आप heat दे दिए, लेकिन वो सारा heat उसका पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो आपको कह रहे मैं इतना सारा हीट दिया और उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, सारा हीट कहां जाके छुप गया, यू कॉल इट ए हिडन हीट और लेटेंट हीट। समझ में आया क्या? दस दिस हिडन हीट इन द मैटर
इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ध्यान रहे, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ठीक है, ये जो लेटेंट हीट बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, हम हीट देते हैं, पता चला कि उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। टेम्परेचर तो तब बढ़ेगा जब मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और हम उसको छुएंगे, मॉलिक्यूल्स जल्दी जल्दी मारेंगे, बहुत सारा मारेंगे और बहुत जोर से मारेंगे तो ज्यादा टेम्परेचर होगा। लेकिन अभी तो सारा का जो हीट एनर्जी आप दे रहे हो वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग बढ़ाने में काम में आ रहा है। डिस्टेंस पोजिशन बदलेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बदलता है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी बदलता है। वो जो हीट टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, हम हीट दिए टेम्परेचर नहीं बढ़ा तो हम कहते हैं हीट जाके अंदर छुप गया, वही हिडन हीट को हम कहेंगे लेटेंट हीट। सो व्हाट इज लेटेंट हीट? लेटेंट हीट ऑफ ए सब्सटेंस, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर ए सॉलिड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट वन ग्राम ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर ए सॉलिड को क्या कहते हैं? कोई सॉलिड ऑलरेडी मेल्टिंग पॉइंट में है, कितना हीट देने से 1 ग्राम ऑफ सॉलिड मेल्ट कर जाएगा, जितना हीट देने से 1 ग्राम सॉलिड मेल्ट कर जाएगा उसको उसका लेटेंट हीट कहते हैं। हम लोग स्पेसिफिक हीट देखे थे, हीट कैपेसिटी देखे थे, वाटर इक्विवेलेंट देखे थे, ये पूरा ही पूरा नया चीज है। क्या है? लेटेंट हीट। क्यों लेटेंट हीट कहते हैं? लेटेंट का मतलब हिडन। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको देने के बावजूद बॉडी में फेज चेंज होता है, एंड ड्यूरिंग फेज चेंज टेम्परेचर डज नॉट चेंज, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। व्हाई? बिकॉज ऑल द हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाने के कारण टेम्परेचर नहीं बदलता है। टेम्परेचर तो तब बदलेगा जब हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो इफ एल इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर ए सॉलिड देन अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट एन ग्राम ऑफ सॉलिड एट मेल्टिंग पॉइंट इज क्यू इज इक्वल टू 1 ग्राम को मेल्ट करने के लिए जो हीट लगता है वो एल है, एम ग्राम को मेल्ट करने के लिए कितना हीट लगेगा एम इंटू एल कैलोरी। इसमें से एल का वैल्यू क्या आया? क्यू बाई एम, इट इज कैलोरी पर ग्राम। तो लेटेंट हीट का यूनिट हो गया कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन मिला? ड्यूरिंग फेज चेंज द सॉलिड अब्सॉर्ब्स हीट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कहो, दैट इज लेटेंट हीट एंड इट्स टेम्परेचर।
does not change. टेम्परेचर चेंज नहीं होता है कब? ड्यूरिंग फेज चेंज। अगर अभी हम थीटा वर्सेस क्यू डायग्राम करेंगे तो क्या होगा, चलो देखते हैं। सपोज हम थीटा वर्सेस क्यू डायग्राम करें, ये हो गया क्यू, इधर है कोई बॉडी का इनिशियल सॉलिड था, इनिशियल टेम्परेचर ये था थीटा जीरो, आपने हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आया, इसको आप कहोगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। इस टेम्परेचर में आप यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना हीट दिए हो? चलो हम कहेंगे ये हीट है डेल्टा क्यू वन, उसके बाद और हीट दिए तो ये सॉलिड अभी क्या हो, ये क्या था, सॉलिड था, अब और हीट दिए अब ये धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होगा, टेम्परेचर विल रिमेन कॉन्स्टेंट, विल गो लाइक दिस, टेम्परेचर बराबर रहा, और ये मान लो कुछ हीट लिया डेल्टा क्यू टू और लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्या है, कंप्लीटली मेल्ट कर गया है, तो ए बी सी ऐसे कहेंगे तो चीजों को बढ़िया से समझते हैं। फेज डायग्राम, इसको क्या कहते हैं, फेज डायग्राम ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, और गर्म करेंगे गैस हो जाएगा, उसको बाद में देखेंगे कैसे वेपराइज होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है बताओ, थीटा जीरो इनिशियल टेम्परेचर किसका, ऑफ सॉलिड, थीटा एम मेल्टिंग पॉइंट किसका, ऑफ सॉलिड, डेल्टा क्यू वन हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर फ्रॉम थीटा जीरो टू थीटा एम, क्या होता है वो एम सी डेल्टा थीटा, थीटा एम माइनस थीटा जीरो, है ना। देन डेल्टा क्यू टू हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द होल ऑफ द सॉलिड, पूरा सॉलिड को मेल्ट करने के लिए, अच्छा 1 ग्राम को मेल्ट करने के लिए जो हीट चाहिए होता है उसको लेटेंट हीट कहते हैं, ये एम ग्राम है तो कितना होगा एम इंटू एल, समझ रहे हो। इसका मतलब हुआ कोई अगर बॉडी थीटा जीरो है टेम्परेचर में, उसको पूरा मेल्ट करना है, क्या हीट देना पड़ेगा, डेल्टा क्यू वन प्लस डेल्टा क्यू टू। बड़ा खूंखार सवाल बनता है, ध्यान से इसको देखिए और समझने की कोशिश करिए। दोबारा समझाता हूं, क्या हुआ इसमें, थीटा जीरो हो गया इनिशियल टेम्परेचर, थीटा एम हो गया फाइनल टेम्परेचर, चलो एबीसी लिखने की कोई जरूरत नहीं, थीटा एम हो गया मेल्टिंग पॉइंट, अब इसको हम हीट दिए, हीट दिए तो टेम्परेचर बढ़ने लगा, और हीट दिए और टेम्परेचर बढ़ा, और हीट दिए, इतना तक हीट देने से टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट पहुंच गया कोई एक पर्टिकुलर प्रेशर में, अभी हम प्रेशर के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। तो क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, ये जो बन गया था, क्या बन गया था, मेल्टिंग पॉइंट में आ गया था, और हीट दिए, वो सारा हीट उसका पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा तो टेम्परेचर नहीं बढ़ा, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रह गया, और धीरे धीरे आइस चारों तरफ से पिघलने लगा, वो सॉलिड चारों तरफ से पिघलते पिघलते पिघलते, इतना हीट देने के बाद देखेंगे पूरा का पूरा सॉलिड गायब, क्या बन गया, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। डेल्टा क्यू वन क्या है, the amount of heat required to raise the temperature of the solid from theta 0 to theta m, वो हम फॉर्मूला जानते हैं mc डेल्टा थीटा। डेल्टा क्यू टू क्या है, the amount of heat required to completely melt the solid, completely melt solid को करने के लिए कितना हीट की जरूरत पड़ा, 1 ग्राम को मेल्ट करने के लिए
क्या हीट चाहिए होता है? लेटेंट हीट। तो m ग्राम को मेल्ट करने के लिए m into l, दिस मच कैलोरी, ये भी कैलोरी था, ये भी कैलोरी है। तो कोई पूछेगा कि आइस, आइस का टेम्परेचर है -20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको 10 ग्राम आइस है, उसको मेल्ट करना है, पूरा पानी बनाना है, कितना हीट चाहिए? पहले आप आइस को गर्म करोगे, गर्म करोगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, -10 से बढ़ते 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 जीरो होगा, जीरो पे क्या होगा, अपलोमेशन ऊपर कैसे जीरो होगा? हाँ सोचो, ये स्केल तो कहीं भी रख सकते हैं, ये -10 है, ऊपर गया तो यहाँ पर आके जीरो हुआ। अब क्या हुआ, और हीट दिए तो आइस पिघलने लगेगा, जब तक पूरा पानी हो जाएगा आपको कितना हीट देना पड़ेगा, ΔQ1 + ΔQ2। तो आपको क्या चाहिए, मास ऑफ हाइट आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड इनिशियल टेम्परेचर ऑफ आइस एंड लेटेंट हीट ऑफ आइस। इतना सारा डाटा मिल जाएगा तो आप सारा काम कर लोगे। समझ में आया क्या? ये चीजों को बढ़िया से नोट करो, समझो, तब जाके आगे बढ़ेंगे, नहीं तो सारा गड़बड़ हो जाएगा।